Okay, students, let us start with the first type of muscular tissue. This is the skeletal or voluntary muscular tissue. The skeletal muscles are also known as the striated muscles or the voluntary muscles. And the skeletal muscles. पहले हम ऐसा करते हैं, पहले हम इसके बारे में हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था दैट बेसिकली द मस्कुलर टिश्यू आर ऑफ थ्री टाइप्स है. द फर्स्ट टाइप इज द स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू, skeletal muscular tissue and voluntary muscular tissue. ठीक है, जो next type of muscular tissue है they are the smooth muscles, non-striated muscles, visceral muscles, and the involuntary muscles. And the third and the last type is cardiac muscles. Third category jo hai, that is of cardiac muscles. स्ट्रिएटेड मसल्स का मतलब क्या है? स्ट्रिएटेड मसल्स का मतलब ही रह गया था आपको बताने के लिए, वो मैं आपको बता रही हूँ. जस्ट सपोज दिस इज द डार्क बैंड, दिस इज अ डार्क बैंड दैट यू आर हैविंग इन योर मसल. दिस इज अ डार्क बैंड, या उसके बाद आपके पास आ गया एक लाइट बैंड. डार्क बैंड के बाद आ गया लाइट बैंड, दिस वन इज द लाइट बैंड. देन आपके पास फिर से क्या आ गया? एक डार्क बैंड. ये डार्क बैंड ओवरलैपिंग के बाद ही शुरू होगा. एंड देन उसके बाद फिर से क्या आ गया आपके पास? एक लाइट बैंड. Just suppose the red color is the dark color and the blue color is the light color. ठीक है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? ये जो हमारी चीज हो गई, these are the striations. Basically, these are the स्ट्रिएशंस. इसको क्या बोलते हैं? इसको स्ट्रिएशंस बोलते हैं. स्ट्रिएशंस का मतलब पहले लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क. ये टाइप की स्ट्रिएशंस जो होती हैं हमारे स्केलेटल मसल्स के अंदर देखने को मिलती हैं. इसलिए इस टाइप के मसल्स को स्ट्रिएटेड मसल्स बोला जाता है. एंड स्मूथ मसल्स को स्मूथ या नॉन स्ट्रिएटेड क्यों बोला जाता है? क्योंकि किसी भी टाइप की स्ट्रिएशंस जो है वो इनवॉलंटरी मसल्स के अंदर देखने को नहीं मिलती है. दैट्स व्हाई दीज मसल्स आर नोन एज द स्मूथ. Smooth muscles because of the appearance in these kind of muscles is smooth. That's why these kind of muscles are known as the smooth muscles. Smooth muscles, non-striated muscles, visceral muscles क्योंकि ये attached होती हैं visceral organs के साथ. Involuntary muscles because हम अपनी will से इनको control नहीं कर सकते. ठीक है, तो striated muscles की definition आप लिख लो. Striated muscles show striations of alternate light and dark bands, light and dark bands,
एंड इन नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स स्मूथ मसल्स आर नॉट शोइंग एनी काइंड ऑफ स्ट्रिएशंस थस दीज आर नोन एज स्मूथ मसल्स और नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रिएटेड एंड नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स. तो ये चीज आपको याद रखनी है कि स्ट्रिएटेड का मतलब होता है ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स एंड नॉन स्ट्रिएटेड का मतलब होता है स्मूथ स्मूथ इन अपीयरेंस. So now let us again come to the our portion that we were discussing. अब देखो, yeah, they are attached to the bones. Example biceps. Biceps किस bicep muscles हैं जो ये किससे attached होती हैं? हमारी four bones से attached होती हैं. तो इसको क्या बोलते हैं? Skeletal muscle बोला जाता है. Striations are present in muscle fibers. मसल फाइबर्स आर बंडल टूगेदर इन द पैरलर फैशन. मसल फाइबर्स जो हैं, वो एक मसल बनाने के लिए पैरलरली अरेंज होते हैं. ये देखो इन द डायग्राम, इन दिस डायग्राम यू कैन ऑल्सो सी द ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड. ये जो आपको बैंड दिख रहे हैं, ये जो आपको लाइन्स दिख रही है, दीज आर द ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड जो आपको दिख रहे हैं. एंड दीज आर बंडल्ड टूगेदर इन अ पैरलर फैशन. ये पैरलरली जो मसल्स हैं, ये पैरलरली अरेंज्ड हैं. थस दीज आर नोन एज द मसल्स दैट आर पैरलरली अरेंज्ड. अ शीथ ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू इनक्लोजेस सेवरल बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स. इसके अराउंड क्या होती है? एक टफ कनेक्टिव टिश्यू की शीथ होती है जो क्या करती है? इनक्लोज करती है, कनेक्ट करती है सेवरल बंडल्स ऑफ मसल्स फाइबर को. ठीक है, ये जो पैरेलली अरेंज्ड मसल्स हैं, इसके ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू की शीथ आती है जो फर्दर हैंडल करती है एंड क्लोज करती है इन मसल्स को. सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्केलेटल मसल्स. स्केलेटल मसल्स आर द मसल्स दैट दे आर आल्सो नोन एज द वॉलंटरी मसल्स एंड वी कैन मूव दीज मसल्स अकॉर्डिंग टू अवर विल. नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू इज द स्मूथ मसल्स नॉन स्ट्रिएटेड और विसरल मसल्स. तो इसमें जो है द फर्स्ट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू रीड इज ये म्यूकोजा क्रॉस सेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन. जो म्यूकोजा लेयर ऑफ द इंटेस्टाइन है, इसका क्रॉस सेक्शन हम देख रहे हैं. ये जो मसल्स हैं, दीज आर देयर आर टू टाइप्स ऑफ मसल्स प्रेजेंट. द लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स एंड द सर्कुलर मसल्स. ये वाली जो मसल्स है, आउटर लेयर वाली मसल्स, दीज आर द लॉन्गिट्यूडनल मसल्स. ये जो इनर लेयर वाली मसल्स है, दीज आर द सर्कुलर लेयर ऑफ द मसल्स. तो ये आप देख सकते हो. अब ये वाली जो मसल्स है, दीज आर इनवॉलेंट्री एंड फ्यूसीफॉर्म. इनवॉलेंट्री होने के साथ साथ ये फ्यूसीफॉर्म है. इनवॉलेंट्री का मतलब है वी कैन नॉट कंट्रोल दीज मसल्स अकॉर्डिंग टू अवर विल. एंड फ्यूसीफॉर्म का मतलब है दीज मसल्स टेपर एट द एंड. ये एंड पे टेपरिंग शो करती है, जिसका मतलब है फ्यूसीफॉर्म मसल्स. नो स्ट्रिएशंस, दे डू नॉट शो एनी काइंड ऑफ स्ट्रिएशन. स्ट्रिएशन जो है, इसमें किसी भी टाइप की शो नहीं की जाती. ये जो है माइक्रोस्कोप के अंदर बिल्कुल हमें स्मूथ दिखती है, स्ट्रिएशंस नहीं होती है किसी भी टाइप की. थस दीज टाइप्स ऑफ मसल्स आर आल्सो नोन एज द स्मूथ मसल्स एज मेंशन्ड. ओके, सेल जंक्शंस होल्ड देम टुगेदर एंड दे आर बंडल्ड टुगेदर इन अ कनेक्टिव टिश्यू शीट. सेल जंक्शंस जो हैं, वो सेल 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 को क्या करते हैं? जोड़ते हैं, बंडल टुगेदर करते हैं इन अ कनेक्टिव टिश्यू शीट. ये जो सेल जंक्शंस हैं, सेल टू सेल को होल्ड करते हैं एंड दे बंडल टुगेदर इन अ कनेक्टिव टिश्यू शीट. दीज आर सीन इन द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स सच एज ब्लड वेसल्स, स्टमक एंड इंटेस्टाइन.
ये जो मसल्स हैं हमें देखने को मिलती हैं इन द इंटरनल ऑर्गन्स या विजरल ऑर्गन्स. विजरल ऑर्गन्स या इंटरनल ऑर्गन्स में वी कैन वी आर एबल टू सी द स्मूथ मसल्स और द नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स और द विजरल मसल्स. These are present in the blood vessels, stomach, intestine, even the pupil of the eye, even the lungs, kidneys, and other respiratory organs. Okay, तो nucleus इनमें present होता है. And ये basically जो smooth muscle fibers हैं, they are spindle shaped. Okay. The next type of tissue that we commonly see is the muscular tissue. Involuntary muscles are only seen in the heart. Involuntary jo muscles hain, they are seen only in the heart. Jo ye cardiac type ki hai, dekho ab कार्डियक टाइप के टिश्यू को अलग टिश्यू क्यों माना जाता है. बेसिकली दिस इज बिकॉज ऑफ अ रीजन. इसका एक रीजन ये है कि जो हार्ट है, हार्ट ने हमेशा सारा टाइम बीट करते रहना है. जब एक बेबी का बर्थ होता है तब से लेके डेथ तक, डेथ कभी भी हो सकती है, 80 इयर्स की उम्र में हो सकती है, 60 इयर्स की उम्र में हो सकती है, बट अगर हमारा हार्ट चलना बंद हो गया फिर तो डेथ क्या है, तभी किसी भी पर्सन की डेथ तभी ही हो जाएगी. तो दिस इज अ बेसिक थिंग कि जो हार्ट मसल्स हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर काइंड ऑफ इनवॉलेंट्री, क्योंकि इनमें जो है स्ट्रक्चरल डिफरेंस भी होता है, फंक्शनल डिफरेंस तो होता ही होता है. कि हार्ट के मसल्स को कभी भी थोड़े से टाइम के लिए भी लाइफ लॉन्ग आराम नहीं मिलता है. दैट्स व्हाई. ओके, सेल जंक्शंस फ्यूज द प्लाज्मा ऑफ द सेल्स एंड मेक देम स्टिक टुगेदर. सेल जंक्शंस है जो, अगेन द सेल्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द सेल जंक्शंस. द सेल जंक्शंस कनेक्ट अ सेल टू द नेक्स्ट सेल. द कम्युनिकेशन जंक्शंस दैट इज द इंटरकैलिएटेड डिस्क अलाउ द सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट. व्हेन वन सेल रिसीव्स अ सिग्नल टू कॉन्ट्रैक्ट इट्स नेबर सेल्स आर ऑल्सो कॉन्ट्रैक्टेड. जो कम्युनिकेशन जंक्शंस हैं, दे आर नोन एज द इंटरकैलिएटेड डिस्क. ये जो टाइप का टिश्यू है, this kind of heart muscular tissue basically ये striated भी है, uninucleated है. skeletal muscles थे जो, they were multinucleated. आपको दिखाती हूँ skeletal muscles. skeletal muscles striated होने के साथ साथ multinucleated थे. these were multinucleated, yeah. ये जो कार्डियक मसल सेल्स हैं, इनमें क्या है, इंटरकैलेटेड डिस्क है जो, या इंटरकैलेटेड डिस्क इज हेल्पिंग द सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एंड द नेबर सेल्स आर आल्सो कॉन्ट्रैक्टेड विद दिस थिंग एज दिस पॉइंट. ओके, नाउ the next type of muscle, the next type of tissue is the neural tissue. Last type जो है हमारे tissue का, that is the neural tissue. Animal tissue हमने चार type के पढ़े हैं. First kind is the epithelial tissue. Next kind is the muscular tissue. Then is the connective tissue and then is the neural tissue. Muscular tissue में हमने three types के muscles पढ़े हैं. एंड क्वेश्चन आपको ये भी हो सकता है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्री काइंड्स ऑफ टिश्यूज. तो आपको स्ट्रिएटेड टिश्यू का डिफरेंस लिखना है, नॉन स्ट्रिएटेड टिश्यू का डिफरेंस लिखना है. या एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपका, लेट मी शो यू ऑन द व्हाइट बोर्ड दैट व्हाई, लेट मी क्लियर दिस बोर्ड नाउ. व्हाई इज कार्डियक, why are cardiac muscles different from other involuntary muscles?
Why are the cardiac muscles different from other involuntary muscles? Basically, the reason behind this is that the cardiac muscles beat throughout the life. The cardiac muscles beat throughout the life, work throughout the life. Beat nahi basically. Heart jo hai wo beat karte throughout the life. Cardiac muscles keep on contracting and relaxing throughout the life in order to make the heart beat. Due to this difference in its function, the cardiac tissue is also having structural differences in comparison to other voluntary muscles. That's why the cardiac muscles are in a different category than that of the other involuntary muscles. Now is the thing of neural tissue. Neural tissue is the last tissue that we have in our chapter of structural organization. आज हमारे ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा. उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट फिजियोलॉजी का शुरू करने वाले हैं. ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फिजियोलॉजी, द बेसिकली ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला जो चैप्टर है हमारा, उससे हम अपना शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर. सो लेट अस स्टार्ट विद द न्यूरल टिश्यू. द न्यूरल टिश्यू इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स. Neurons are the unit of the neural system. Nerves hai jo neurons hai basically, nervous tissue hai jo, that is the unit of the neural system. The neural tissue is made up of neurons. This is responsible for the control and coordination of the body. What does it do? What does the neural tissue do? Now, a neural tissue helps in control and coordination of the body. Jo body ki coordination hai basically, jo control hai, wo sara neural tissue kar rahe hain. Neurons are excitable cells. They carry impulses. Neurons kya hai? Excitable cells hain. They carry the impulses from the one part of the body to the other part. Neurons are protected and supported by neuroglial cells. Neuroglial cells are the other kind of cells that support the neurons. ठीक है? As in the diagram, you can see this is a neuron and these are the neuroglia. Cells that are further there present to protect the neurons. Structure of a nerve cell तो आपको पता ही है कि एक जो nerve cell है उसके अंदर cell body होती है जिसको हम cyton बोलते हैं. This is having a nucleus. It is consisting of the nucleus and the main जो nerve cell है that is very long. Then it is having the long axon. Axon क्या करता है? Cell body को cyton को dendrite से connect करता है. There is a present long axon and the branch endings, nerve endings basically the dendrites. Neuroglia make up more than the half volume of the neural tissue. जो brain है हमारा, जो spinal cord है. This is all made up of the neural tissue or the nervous tissue. Nerves are the unit of the neural tissue. And इसके comparatively अगर neural tissue को देखा जाए तो neuroglia है जो more than 50% of the neural tissue जो है neuroglia होता है. ठीक है? So that was all about the neural tissue.
नाउ वी एवरीबडी नो दैट इन द मल्टी सेलुलर बॉडी देयर आर डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ द सेल्स, डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द सेल्स. तो बेसिकली टिश्यू को बना कौन रहा है, बेसिकली किसी भी ऑर्गन को बना कौन रहा है. अगर हम बात करें हार्ट की, तो हार्ट क्या है, बहुत सारे जो कार्डियक सेल्स हैं वो मिलके कार्डियक टिश्यू को बना रहे हैं. कार्डियक टिश्यू मिलके क्या बना रहा है, हार्ट बना रहा है. एंड हार्ट इज द ऑर्गन. कार्डियक टिश्यू के साथ जो हार्ट है, बाकी ऑर्गन्स भी इंक्लूडेड किए जाते हैं, जैसे कि ब्लड वेसल्स. तो ये जो ऑर्गन्स हैं, हार्ट, ब्लड एंड द ब्लड वेसल्स आर मेकिंग द ऑर्गन सिस्टम. दिस सिस्टम इज नोन एज द सर्कुलेटरी सिस्टम. ऐसे करके बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, अदर सिस्टम्स आल्सो आर कंक्लूडिंग द होल ऑर्गेनिज्म. इसी टाइप से एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन रहा है. जैसे कि यहाँ फर्स्ट डायग्राम में एग्जाम्पल दी गई है एनिमल्स की. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सेल्स. सेल्स आर फॉर्मिंग द टिश्यूज. टिश्यूज आर फॉर्मिंग द ऑर्गन्स. ऑर्गन्स आर फॉर्मिंग द ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्मिंग, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बना रहे हैं, ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दी गई है एपिथेलियल सेल्स की. एपिथेलियल सेल्स एपिथेलियल टिश्यू बनाते हैं. एपिथेलियल टिश्यू मिलके ऑर्गन के ऊपर एक ऑर्गन बनाते हैं. कवरिंग ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या होता है, टू कवर द, टू फॉर्म द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. ठीक है, एंड ऑल्सो द स्किन. स्किन को भी क्या है, एपिथेलियल टिश्यू ही फॉर्म करता है. एंड देन द ऑर्गन सिस्टम इज फॉर्म्ड. ऑर्गन सिस्टम बन जाता है पूरा, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू सिस्टम हो गया पूरा, स्किन वाला सिस्टम हो गया हमारा. एंड इसी तरह बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म. जैसे कि इस डायग्राम के अंदर हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिज्म है पूरा, पूरा ऑर्गेनिज्म, दैट इज द एनिमल एंड दैट इज अ हॉर्स. अ हॉर्स इज शोन इन द डायग्राम. अ हॉर्स इज शोन इन द डायग्राम. एंड देन सेल्स के अंदर हमारा नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, वी आर हैविंग द सेल्स. सेल्स आर फॉर्मिंग द टिश्यूज. हमारे पास प्लांट सेल्स हैं. प्लांट सेल्स क्या बना रहे हैं, एपिडर्मल टिश्यू बना रहे हैं पूरा. ठीक है, एपिडर्मल टिश्यू आर फॉर्मिंग द ऑर्गन दैट इज द लीफ. द लीव्स आर फॉर्मिंग द ऑर्गन सिस्टम दैट इज द टोटल शूट सिस्टम. द शूट सिस्टम एंड द रूट सिस्टम आर फॉर्मिंग द होल ऑर्गेनिज्म दैट इज वन प्लांट. ठीक है, तो ये है जो हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में इन दिस चैप्टर. दिस ऑर्गेनाइजेशन इज एसेंशियल फॉर द बेटर कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज ऑफ द सेल. क्योंकि एक मस्कुलर बॉडी है, हमने पढ़ा था मल्टी सेलुलर बॉडी के अंदर. मल्टी सेलुलर बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, कम्प्लेक्स बॉडी होती है, कम्प्लेक्स सिस्टम होता है सारा. तो कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है. An organ is made up of one or more types of tissues. Example, heart has epithelial, connective, muscular and neural tissue. हार्ट के अंदर क्या है, epithelial tissue है, connective tissue है, muscular tissue है and neural tissue है. These all are the organ systems. So that was all about today's lecture. हम थोड़ा सा discussion कर लेते हैं about the syllabus. Okay, students, हमारे पास structural organization वाले chapter के अंदर हमारे पास three chapters हैं. First of all तो था anatomy in plants. Anatomy in plants था, then morphology in plants. ये हमारे दोनों चैप्टर ही हैं. अब के सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये दोनों चैप्टर्स ही हमारे एक्सक्लूड कर दिए गए. बट नीट के अकॉर्डिंग ये दोनों चैप्टर्स हैं जो वो इम्पोर्टेंट है. फर्स्टली हम बोर्ड के रिलेटेड अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद देन वी आर गोइंग टू रीड दीज ऑल चैप्टर्स जो भी हमारे स्किप हो गए हैं ड्यू टू द सीबीएसई सिलेबस.
तो हम ये कवर अप कर लेंगे। वैसे भी आप 11th क्लास का पढ़ रहे हो, अभी 11th की तैयारी कर रहे हो, तो आई थिंक दैट यू हैव वन ईयर। लेट अस सी कि नेक्स्ट ईयर की नीट सिलेबस तक ये सब इंक्लूडेड होता है या नहीं। ओके, देन वी आर हैविंग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन इन एनिमल्स वाला चैप्टर जो हमने अभी किया था। हमने अभी वाले चैप्टर में एनिमल्स में टिश्यू की पहले डेफिनेशन की, देन उसमें हमने एनिमल टिश्यू के टाइप्स किए। वी हैव फोर टाइप, एपिथेलियल टिश्यू, द कनेक्टिव टिश्यू, द मस्कुलर टिश्यू एंड द नर्वस टिश्यू। ठीक है, चार टाइप के टिश्यू किए, चार टाइप के टिश्यू को हमने डिटेल में पढ़ा है, हर एक टाइप को पढ़ा है एंड उसके बारे में हर चीज पढ़ी है। डिफरेंसेस जो है वो आपको खुद के बेसिस पे अपने आप कर लें, सो दैट यू कैन ऑल्सो डिवेलप सम रीडिंग कैपेबिलिटी। इसमें हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते थे। द फर्स्ट वॉज द अर्थवर्म, देन द कॉकरोच एंड देन एट लास्ट वी हैड फ्रॉग। अर्थवर्म एंड कॉकरोच क्या हो गए थे? अर्थवर्म एंड कॉकरोच तो बहुत पहले ही क्या कर दिए थे, एक्सक्लूड कर दिए थे सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग। अर्थवर्म एंड कॉकरोच है ये बहुत पहले, दो तीन साल पहले शायद ये हमारे सिलेबस से, नीट के सिलेबस से निकाल दिया गया था, इसको बोर्ड्स के सिलेबस से भी निकाल दिया गया था। नाउ वी वर हैविंग द कॉकरोच एंड अब क्या हो गया, अब आज के 2020 के सिलेबस के अकॉर्डिंग कॉकरोच भी जो है वो एक्सक्लूड कर दिया गया। बेसिकली ये जो तीनों एनिमल्स थे हमारे सिलेबस में, ये क्यों थे, ये थे कि एनिमल्स हैं जो, एनिमल्स में हम ह्यूमन बीइंग्स को पढ़ना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, स्पेशली द लिविंग ह्यूमन बीइंग्स। आप किसी भी ह्यूमन बीइंग को लेकर डायसेक्ट करके उसको पढ़ नहीं सकते हो, क्योंकि दिस इज वेरी डिफिकल्ट एंड इट इज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग ऐसा होता है। अब बाकी का सिलेबस तो 2020 के अकॉर्डिंग एक्सक्लूड आउट किया गया है, बट जो कॉकरोच एक्सक्लूड आउट कर दिया गया, मुझे नहीं लगता कि ये कॉकरोच दोबारा से इंक्लूड किया जाएगा। 70% चांसेस इज दैट नाउ द स्टूडेंट्स आर नॉट गोइंग टू रीड अबाउट कॉकरोच इन एनी वे, क्योंकि अर्थवर्म और फ्रॉग को भी इसीलिए एक्सक्लूड किया गया था। सबसे पहले तो फ्रॉग को एक्सक्लूड किया गया क्योंकि फ्रॉग की डायसेक्शन के टाइम पे बहुत सारे एनिमल राइट्स का क्वेश्चन मार्क होता था कि बहुत सारे जो हैं एनिमल्स हैं जो फ्रॉग्स हैं उनका नुकसान कर दिया जाता है। देखो फ्रॉग से पहले हमारे पास दो और ऑर्गेनिजम्स थे, दे वर पिजन एंड रैट। पिजन एंड रैट तो 10 साल पहले ही एक्सक्लूड कर दिए गए। मैंने भी जब मैं अपना 12th में थी तब मैंने पिजन एंड फ्रॉग को, पिजन एंड रैट को नहीं पढ़ा, तब मैंने भी पिजन एंड रैट को नहीं पढ़ा और नहीं डाइसेक्ट किया। तो ये बेसिक थिंग यही थी कि एनिमल राइट्स को हम कोई भी एक्सप्लॉइट ना करें, इसीलिए ये चीजों को इंक्लूड किया गया था। अब अगर कॉकरोच को एक बार एक्सक्लूड कर दिया गया, आई डोंट थिंक कि कॉकरोच इंक्लूड किया जाएगा, सो वी आर नॉट गोइंग टू रीड अबाउट द कॉकरोच नाउ। बट बाकी के जितने भी चैप्टर्स हैं एक बार हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाने दो 2020 का, उसके बाद एक्स्ट्रा में आपको सारे चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू नीड पॉइंट ऑफ व्यू सारे चैप्टर्स आपको कवर अप करवाए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप यू गॉट इट, आई होप यू लाइक्ड इट। एंड कल से हम फिजियोलॉजी शुरू करने वाले हैं, बेसिकली द ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी हम पहले कवर अप कर लेंगे क्योंकि ये ज्यादा मेजर है, ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड बहुत ज्यादा पार्ट कवर अप लेंथी भी है। ह्यूमन फिजियोलॉजी कवर अप कर लेंगे, उसके बाद हम सेल वाला पार्ट लेंगे एंड उसके बाद हम प्लांट फिजियोलॉजी वाला पार्ट लेंगे। Okay, so that was all about today. Thank you so much. Have a nice day.